तो वही है वो सर्विस स्टेशन जिसका मैं कल की वीडियो में जिक्र कर रहा था। ड्राइवर की जगह भी छोड़ दिया कि नहीं तुमने? वही हाँ जी भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड ट्रैक्टर लवर पर। और भाई आज कंबाइन की रिपेयर कंटिन्यू है पूरी, और मतलब आज हिस्सा खोल दिया है कंबाइन का, क्योंकि इस पर जो है बुश लगवा के लेके आना है और ये अपना लोड कर दिया है इसमें थ्री व्हीलर में, इसको गीड लेके जाएंगे और वहाँ से बुश वगैरह इसका कंप्लीट काम करवा के लेके आएंगे। मिस्त्री ने 11 बजे का टाइम दिया है, 11:30 बजे के आसपास जाएंगे यहाँ से लेके। और बाकी मतलब कंबाइन की टॉप के रिपेयर इसी वजह से कर रहे हैं कि भाई एक साल हो जाएगा इसको, फिर मतलब एमपी में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, सारा काम कंप्लीट कर देंगे इसका मोटा मोटा सा। और क्या क्या काम करेगा जोनी? कंप्लीट हो जाएगा जा? बिल्कुल शाम लगा फिर एचआर कितना खुलेगा? एचआर का थ्रेसर अभी आया नहीं है पंजाब से, और बाकी जो इसका थ्रेसर है वो रेस वाले लगने गया हुआ है, वो भी आज या कल आ जाएगा, दोनों थ्रेसर नहीं है इस टाइम। चल मिस्त्री पकड़ा, मैं पकड़ूंगा ना, मैं पकड़ूंगा। ये भाई अपनी थ्रेसर गैडर वाली कुड़ी है, और तो वही हिस्सा तो अपना आ गया था दुकान पे मिस्त्री की, और वही 12:30 का टाइम दिया था मिस्त्री ने, वही 12:30 बजे लेके आना, और हमने 11 बजे भेज दिया था। तो अभी भी फ्री नहीं हुआ है, ये काम कर रहे हैं कुछ और अब करेंगे इसको। और ये इधर स्पेयर पार्ट की दुकान आ गई जहाँ से हम अपना स्पेयर पार्ट का सामान लेते हैं। तो वही गेट से तो आ गए थे, और अब इसकी जो ये पत्ती देख रहे हो ना आप, ये उखड़ी हुई है, इसको वेल्डिंग करवा के लेके आनी है। और मतलब गीड वाला काम अभी हुआ नहीं था, मैं ये रेडी लेके आ गया था, इसमें लाद करके लेके जाएंगे इस कैलिवेटर को और वेल्डिंग करवा के लेके आते हैं। जोर लाज होनी है ड्राइवर की जगह भी छोड़ दिया कि नहीं तुमने? वही जो वहाँ घर से चले थे ना भाई, तो यहाँ की एक पत्ती थी जो नीस पे रख के भूल गया, रस्ते में गिरी की गई, वापिस गई मिली नहीं, अब नहीं बनवाएंगे वो। तो वही है वो सर्विस स्टेशन जिसका मैं कल की वीडियो में जिक्र कर रहा था, और यहीं पे वेल्डिंग करवाने आए हुए थे हम, हाथ लगे हाथ एलिवेटर को भी धो लेते हैं, क्योंकि जब कंबाइन दिलवाई थी ना तो एलिवेटर उतारा हुआ था उस टाइम पे। ये वही यहाँ पर सतनाम का ट्रल आया हुआ है, कटरवार सतनाम का, भाई कंबाइन तो अपने काम में और आएंगी 2-3 नई, बाकी है कि भाई बात कंपटीशन हो गया ज़्यादा अपने यहाँ, वो देखो भाई सर जा रहने सुखद हो, और ये अपना भाई आ गया विक्रम,
ला भाई बना दी तेरे सर स्टेशन की वीडियो आज। और अच्छा क्या हाल है? अरे बढ़िया, सड़क को पानी जाओ, सड़क वाले साले तो मत पड़े जाओ। कौन सा सड़क वाला देवा देते गाड़ी तड़ा मार दिए जो नहीं तड़ा भीतर बढ़ जा रही ठीक है। मतलब भाई गाड़ी भी दिलवाई हमने, ट्रैक्टर भी दिलवाया, कंबाइन भी दिलवाई, बाइक भी दिलवाई, सारा सौदा है, मतलब एक नंबर का काम करते हैं। पॉलिश वगैरह मार के देख लो आप भाई, चमक रही है कितनी। और जिस दिन चार कंबाइन दिलवाने लाऊंगा ना उस दिन दिखा दूंगा आपको, और बढ़िया नज़ारा, एक नंबर का काम। नीचे नहीं दरियो अल्लाह आयो दस जगह भाई। ये अब एलिवेटर को ना ऊपर फिट करेंगे। अब चल चल एक हाथ तीम मतवारी मैंने ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था जितना तेरे जब ये थ्रेसर वाली जो गोली फिट करी है ना रेड ड्रम थ्रेसर वाली तब ज्यादा जोर लगे थे बंदों के, लेकिन अब तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। और अभी तो कल आपको पता ही है कि पंजाब जाएंगे, और अब इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अब इसको फिट करके गैरेज बंद कर देंगे, कल करेंगे बाकी काम। कल जो नहीं जाएगा हमारे साथ और भाई जाएगा, मैं जाऊंगा और मम्मा जी जाएंगे। तो भाई एलिवेटर अपना फिट हो गया और हिस्सा रह गया, और वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। बाकी कल पंजाब जाएंगे, वहाँ से एजेंसी में जाना है और चार कंबाइन लेके आनी है वहाँ से, पता ही आपको जैसा कि। तो बाकी कल मैं सारी डिटेल दे दूंगा कि क्या चक्कर है उसका, कब बुकिंग करवाई थी हमने। और अब इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। धन्यवाद।